नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सर्विस नेक्सस पे। आज का विषय जो है वो है ब्रीफिंग। ब्रीफिंग क्या है और ये होता क्या है, सबसे पहले बताता हूँ। ब्रीफिंग जो होता है ये रेस्टोरेंट का जो ऑपरेशन स्टार्ट होता है उससे पहले होता है, और ये जो ब्रीफिंग होता है 15 मिनट का होता है। ब्रीफिंग का छोटा सा मतलब है एक प्लानिंग करना, या तो एक छोटा सा मीटिंग कह सकते हैं आप। रेस्टोरेंट स्टार्ट होने के, रेस्टोरेंट का जो सर्विस है वो शुरुआत होने के पहले हम लोग करते हैं। ब्रीफिंग लिया जाता है रेस्टोरेंट मैनेजर के थ्रू, या तो फिर रेस्टोरेंट मैनेजर के एब्सेंस में वहाँ का जो सीनियर रहेगा वो लेते हैं। तो इस पे ये होता है कि रेस्टोरेंट जब स्टार्ट होता है तो रेस्टोरेंट के जो सर्विस स्टाफ है वो सारे इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद मैनेजर के थ्रू वो ब्रीफिंग लिया जाता है। अब ब्रीफिंग में जो पॉइंट डिस्कस करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अटेंडेंस, आज इतने लोग हैं वो अटेंडेंस, उपस्थिति अनुपस्थिति जो कहते हैं वो लेता है सबसे पहले। दूसरा वेटर्स किट, मतलब वेटर्स के पास ओपनर होना चाहिए, स्किपिंग पैड होना चाहिए, पेन होना चाहिए, वेटर्स क्लॉथ होना चाहिए, ये सारे वेटर्स किट में आते हैं। देन वो करते हैं जो जितने भी रेस्टोरेंट में टेबल्स हैं ना, टेबल्स में कौन से वेटर कौन सा टेबल देखेंगे, इसे कहते हैं टेबल अलॉटमेंट। वो दिया जाता है कि एक सेक्शन में दो टेबल है या और एक सेक्शन में दो टेबल है, तो यहाँ पर कितने वेटर के साथ कैप्टन कौन है, ये टेबल अलॉटमेंट। चौथा उस दिन का जो स्पेशल डिश है उसके बारे में बात करते हैं कि आज का स्पेशल डिश ये है और इसे बेचना होता है। और पांचवा आपका जो भी स्पेशल मतलब VIP रिजर्वेशंस है, रिजर्वेशंस के बारे में बताया जाता है कि आज सो का रिजर्वेशन है, टेबल नंबर 10 या 12 बुक है 4 लोगों के लिए 5 लोगों के लिए, ये रिजर्वेशन इसके लिए। उसके बाद अवेलेबल नॉन अवेलेबल, आज ये अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है, इसके बारे में जिक्र किया जाता है। उसके बाद आता है छोटा सा ट्रेनिंग, कोई भी नए लोग आते हैं उनको छोटा सा ट्रेनिंग देके बताया जाता है कैसे सर्व करना है, कैसे करना है, इसके बारे में बताते हैं। उसके बाद कोई भी कंप्लेंट्स वगैरह होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और वो कंप्लेंट से रिलेटेड उसका जो समाधान बताते हैं मैनेजर, ठीक है। इसके बाद सर्विस के नॉलेज के बारे में भी ट्रेन किया जाता है। कोई भी समस्या है स्टाफ को या कोई भी चीज़ को लेके उसके बारे में डिस्कस करते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और आपने बहुत अच्छा काम किया, किसी चीज़ को किसी स्टाफ को मोटिवेट करना है या उस बंदे के बारे में बताना है, कि कोई गेस्ट होते हैं कमेंट कार्ड में लिख के जाते हैं स्वयं से पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया, तो उसके बारे में ये ब्रीफिंग में डिस्कस करते हैं कि स्वयं से बंदे ने बहुत अच्छा काम किया, तो ये उनके लिए मोटिवेशन भी हो जाता है और उनको आगे अच्छा करने का चाह भी रहता है। ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। और एक दिन का जो टारगेट है वो बताते हैं कि आज का इतना टारगेट हमें अचीव करना है, तो वो टारगेट दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ डिस्कस किया जाता है ब्रीफिंग में। ये ब्रीफिंग के पॉइंट्स हैं जो डिस्कस होते हैं ब्रीफिंग में। इसके अलावा एक कहते हैं डीप ब्रीफिंग, DED ब्रीफिंग। डीप ब्रीफिंग हमेशा हर दिन के लास्ट में होता है, मतलब आज दिन के अंत में एक डीप ब्रीफिंग होता है, जो कि स्पेशल कुछ होता है, इंपॉर्टेंट कुछ होता है, उसके लिए बात करते हैं। ये हमेशा ज़रूरत नहीं है, कभी कभार कोई इंसिडेंट हो गया, कोई अच्छा हो गया, ऐसा चीज़ के लिए वो डिस्कस करते हैं इन द डीप ब्रीफिंग में, ठीक है। तो ये दिन के अंत में होता है। सो ये सारे चीज़ होते हैं ब्रीफिंग। और कोई भी क्वेरी रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।